हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद मीघना, वेयर आई गेट रेसिपीज फ्रॉम माय किचन टू योर्स। हम बना रहे हैं नमकीन सेवई, या फिर कुछ लोग इसको जवे भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको सेवई का पुलाव भी बोलते हैं। चलिए देखें इसे कैसे बनाया जाता है। पहले हम इसके लिए सामग्री देखेंगे। हमें चाहिए 2 कटोरे भुने हुए सेवई, उसके बाद हमें चाहिए 1 छोटा आलू छोटा छोटा कटा हुआ, 1 गाजर छोटी छोटी कटी हुई। मटर मैंने फ्रोजन लिए हैं, लेकिन आप ताजे भी ले सकते हैं, लेकिन उसे उबाल लें। चाहिए 4 बड़े चम्मच छोटी छोटी कटी हुई कैप्सिकम, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हमारे को एक मसाला और बनाना है, सिवई पकने के बाद ऊपर से डालते हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्चे, टमाटर और नींबू। चलिए देखें सिवई कैसे बनाते हैं। तो पहले आप एक पैन ले लें, उसके अंदर सिवई डालकर उसको हल्की आग पर अच्छे से भून लें। हमें इन्हें सुनहरा करना है, उसके बाद ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारी सिवई जो है अच्छे से सुनहरी हो गई है। अब इसको हम अलग रख लेंगे। हम एक थोड़ा गहरा पैन लेंगे, उसके अंदर 3 चम्मच तेल डालकर उसमें अजवाइन डाल देंगे और उसको कुछ सेकंड तक भूनेंगे। फिर उसके अंदर हम अपने कटे हुए आलू डालकर उसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। इसे अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा सा पका लें। 2 मिनट तक आलूओं को पकाने के बाद उसमें हम कटी हुई गाजर डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने आलू और गाजर छोटी छोटी काटी थी, इसलिए जल्दी से पक जाती है। अब इसको 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम मटर और कैप्सिकम डाल देंगे और उसे भी हम एक साथ मिलाकर चलाएंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए। सब्जियों को 1 मिनट तक और चलाने के बाद उसमें हम डालेंगे नमक, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/2 चम्मच। आप चाहें तो गरम मसाला ना भी डालें तो भी चलेगा। सब्जी और मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लें कुछ सेकंड तक, और फिर इसके अंदर हल्का सा पानी डालकर इसे भी मिक्स करें और ढककर इसे 1 मिनट तक पकने दें। इससे आपकी सब्जियां बहुत जल्दी गल जाएंगी। अब 1 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर हम सिवई डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे पहले ही जा चुके हैं। अब इसको जब अच्छे से आप मिक्स कर लें, उसके बाद आप खूब खौलता हुआ गर्म पानी लें और उसके अंदर इतना पानी डालें कि आपकी सिवई जो है वो डूब जाए। हमने 2 चम्मच नमक लिया था, 1 चम्मच मैंने पहले डाला था, 1 चम्मच मैं अब डाल रही हूँ। कि मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि हमारी सिवई डूब गई है और उससे हल्का सा ऊपर ही है पानी। इससे ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपकी सिवई बहुत ज्यादा गल जाएंगी और बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएंगी। अब इसे ढककर हल्की आग पर 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है। बीच में 2 मिनट बाद इसे खोलेंगे, एक बार फिर चलाएंगे और फिर ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद सारा पानी जो है सूख जाता है और आपकी सिवई जो है अच्छे से पक जाती है। देखिए कितनी खिली हुई सिवई बनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से भी अजवाइन डाल सकते हैं, जो बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब हम वो मसाला बनाते हैं जो हमने सिवई के ऊपर डालना है। प्याज लेंगे, मिर्ची लेंगे, टमाटर लेंगे और इसके ऊपर नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और नींबू डालकर इसका अच्छे से एक कचुम्बर सैलेड सा बना लेंगे। अगर आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं और लाल मिर्च चाहें तो वो ना भी डालें, हिसाब से इसके अंदर मिर्ची कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करिए, जिससे कि इसका नमक, मिर्ची और नींबू का स्वाद अच्छे से मिल जाए। अब इसे अलग रखिए और अपनी सिवई परोसते हैं। प्लेट लीजिए, उसमें सिवई डालिए खूब गर्मा गर्म। सिवई प्लेट में परोसने के बाद उसके ऊपर हमने जो कचुम्बर सलाद बनाया था वो डाल देंगे अच्छे से फैलाकर। सिवई हमारी खूब गर्म होती है और ये सलाद हमारा थोड़ा ठंडा होता है, पर जब हम इनको दोनों को साथ में खाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये पुलाव इतना जबरदस्त बनता है कि इसे आप नाश्ते के वक्त भी बना सकते हैं और इसे आप खाने के वक्त भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर जब भी बनाएं मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा धनिया हमने ऊपर से छिड़क दिया। हमारा बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म सिवई का पुलाव खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एक बटन ही दबाने की देर है। और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाना है, जिससे कि आपको मेरी रेसिपीज जो भी मैं डालूं उसका अपडेट एकदम ही मिलता रहे। दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।